नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके समाचार। मैं हूँ आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देर साथ बने रहिए आपके समाचार पर। खबर दिखेगी सच। यूपी, बिहार, दिल्ली सहित कई राज्यों में बंद हुए स्कूल। आइए जानते हैं आपको शहर के स्कूल बंद है या नहीं। कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर विभिन्न राज्य कई तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। कई राज्यों में कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में कई राज्यों ने स्कूल कॉलेज में ठंड की छुट्टी का ऐलान कर स्कूल बंद कर दिए हैं। खबर नई दिल्ली से। कोरोना महामारी का खतरा अब एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। देश के कई राज्यों में कोरोना के नए मामले हर दिन दुगने तक होने लगे हैं, ऐसे में कई राज्यों ने स्कूल कॉलेजों में ठंड की छुट्टी का ऐलान कर स्कूल बंद कर दिए हैं। कई राज्यों में अभी स्कूल बंद करने पर विचार जारी है। आपके प्रदेश में क्या है स्कूल पर के नियम जानते हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए 28 दिसंबर को दिल्ली सरकार ने GRAP ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को लागू कर दिया है। ग्रेप लागू होते ही दिल्ली के सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए थे। यूपी में स्कूल 15 दिन के लिए बंद। बढ़ती शीतलहर और कड़ाके की ठंड के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने 8वीं तक के स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। बेसिक शिक्षा विभाग की टाइम एंड मोशन स्टडी के आदेश के तहत पहली बार शीतलाकालीन अवकाश दिया जा सकता है। इससे पहले जिलाधिकारी के आदेशों के तहत विभिन्न जिलों में स्कूलों की वह छुट्टी की जा रही थी, लेकिन प्राइवेट विद्यालय उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में खुले हैं, जिनके अभिभावक व छात्र छात्राओं विरोध जता रहे हैं। दिल्ली NCR में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले और कड़ाके की ठंड के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हापुड़ और गाजियाबाद में 8वीं तक के सरकारी स्कूल 15 दिन के लिए बंद। मुंबई में 31 जनवरी तक स्कूल बंद। मुंबई में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए 1 से 9 तक की स्कूल 31 जनवरी तक बंद कर दिए हैं। यह फैसला BMC अधिकारियों की बैठक में लिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मुंबई में भी बड़ी संख्या में ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ रहे हैं। स्कूली बच्चों में भी संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ सकता है। यही वजह है कि BMC अधिकारियों ने आज इस मुद्दे पर बैठक की। इसके बाद 31 जनवरी तक 1 से 9वीं तक के स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। पश्चिमी बंगाल में शैक्षणिक संस्थान बंद। पश्चिमी बंगाल में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में सभी शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद रहेंगी। एक बार में केवल 50% कर्मचारी के साथ प्रशासनिक गतिविधियों की अनुमति होगी। यह प्रतिबंध 15 जनवरी कर लागू रहेंगे। तमिलनाडु में 10 जनवरी तक बंद हुए स्कूल। तमिलनाडु के कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को 10 जनवरी 2022 तक के लिए बंद। पश्चिम बंगाल में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। एक बार में केवल 50% कर्मचारियों के साथ प्रशासनिक गतिविधियों की अनुमति होगी। यह प्रतिबंध 15 जनवरी कर लागू रहेंगे। तमिलनाडु में 10 जनवरी तक बंद हुए स्कूल। तमिलनाडु के कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल को 10 जनवरी 2022 तक के लिए बंद कर दिया गया है और कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया है। उड़ीसा में नहीं खुलेंगे स्कूल। उड़ीसा के स्कूल आज से खुले जाने थे, जिस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मीडिया रिपोर्टर के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के सभी स्कूलों के छात्र स्कूल खोलने की फैलने और फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। राज्य में कोरोना के मामलों में आ रही तेजी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले। आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।